तभी भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं विष्णु जी महाराज ने, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। मेरा तेरा
हमारी आज क्या सांस होगी हमें कोई पता नहीं। पानी का कबूतर है मिल जाएगा पानी के मर जाने लेकिन जब शादी हो जाती है जब घर में घरवाली आ जाती है तो माँ बाप की उसी दिन से भक्ति कदर चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों आप पत्नी से प्रेम करो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप नहीं होते तो शायद आप इस दुनिया में नहीं होते। पत्नी से आपको प्यार मिल सकता लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम केवल माँ बाप ही दुनिया में करते हैं। और माताओं आपसे भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये राशि का आपसे एक अनुरोध है, आप जिस पति को भगवान मानती हो लेकिन उस भगवान के जो पिताजी हैं आपके सास ससुर उन्हें आप पानी भी देना पसंद नहीं करते तो ये आपकी अच्छी बात नहीं है। तू पैसा कमाता है माँ बाप को सताता है, ये कर्म तेरे लटकर आंखों में पानी है।
शादी में बहुत काम करनी है। अब लड़कों को थोड़ी थोड़ी छूट दे दो, और माताओं से भी कहना चाहूंगा जब घर में बहू आ जाए तो आप अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दो, घर की चाबी बहू को दे दो, घर की चाबी बहू को दे दो, कह दो बेटा आज से ये घर तुम्हारा है। एक बात सुनो बुढ़ापे में, तुम सुनो बुढ़ापे में, कुछ काम करो ऐसा जिससे रहो अपना बेटे। कुछ काम करो ऐसा जिससे रहो अपना बेटे, कुछ काम करो ऐसा जिससे रहो अपना बेटे। कल भी बताया था जब भी जयकारा लगाया जाता है तो दोनों हाथ भारत में लगाया जाता है। जय सच्चे दरबार की, आज सच्चे दरबार की।